बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो आशीष किराना स्टोर से फोन आया था। वो कह रहा था कि तुमने उसे रुपए नहीं दिए। बाबूजी वो क्या ये सच है? हाँ बाबूजी। क्यों क्यों नहीं पहुंचे? जा उसको रुपए देकर आ। बाबूजी वो पैसे तो अब मेरे पास नहीं रहे। नहीं रहे? कहाँ गए? बाबूजी ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? 10,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तुमने अपने लिए खर्च कर लिए? नहीं नहीं बाबूजी। तो खो गए? नहीं, किसी को दे दिए। बाबूजी तो तुमने उन रुपयों का किया क्या? रोहित बता दो ना, तुमने उन रुपयों का किया क्या? मैं नहीं बता सकता। क्या हुआ बाबूजी? बेटे इसके भी अब पर निकल आए। क्या किया इसने? राशन के लिए 10,000 रुपए दिए थे, पता नहीं उसका क्या किया इसने। रोहित तुम बताते क्यों नहीं कि उन पैसों का क्या किया? सुनील भैया मैं नहीं बता सकता। जब तू नहीं बता सकता इसका मतलब ये हुआ कि उन रुपयों का तुमने गलत इस्तेमाल किया होगा। जी नहीं। तो बता दो ना कि रुपये गए कहाँ। सुनील भैया सच में बता नहीं सकता और झूठ में बोलूंगा नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने रुपयों का गलत इस्तेमाल ही किया है। अगर अभी समझते हैं तो समझ लीजिए। समझ लूंगा क्या मतलब है? यही सच है? नहीं ये झूठ है। तो सच क्या है? बताता क्यों नहीं? बोल। अरे जवाब दे, कहां गए वो रुपए? तो बताता क्यों नहीं? बता बता कहां है रुपए? बता बता तू कहां है रुपए? मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने आप को संभालिए। ये सच है कि जिस आदमी के मन में परायपन की भावना हो उस पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो चोर है चोर। बाबूजी मैं चोर नहीं हूं बाबूजी। अच्छा हुआ 10,000 रुपए में तुमने अपनी औकात दिखा दी। वैसे भी मैं तुम्हें आजमाने वाला था, आजमाने से पहले ही तुमने अपनी जात दिखा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से, जा। आप प्लीज आप अपनी तबीयत का ख्याल कीजिए। इसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है सुमित, बहुत दुख पहुंचाया है।